यार। अरे यार मतलब मैं सब लोग मुझे पता नहीं क्या डस्टबिन टाइप का समझते हैं, कौन खाएगा यार। नहीं देखो जब भी आ रहा हूँ आप मुझे देखो दाल बाटी खिलाती है, उसमें इतना सारा घी होता है भर भर के, छोले भटूरे खिलाती है उसमें इतना सारा ऑयल होता है भर भर के, और समोसा खिला देती हो। मेरे इस पेट की जिम्मेदार केवल और केवल दीदी है, ध्यान रखना। अरे यार ये बिजली का वायर अड़ गया यहाँ से, इसे लगाऊं पहले तो। इन्वर्टर और ऑन करके देखो एक बार, सही है। बीप बीप करने लगे जैसे वो वायर हटा रहा हूँ, कोई पता नहीं क्या हुआ नोटन में, ऐसे बीप 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 दिमाग खराब हो गया। कल भी ऐसे शाम को दिमाग खराब हो रहा था मेरा, जैसे मैं निकल रहा था ना फिर बक्सर के जाने के लिए, तभी तो ऐसे वो भड़ाक वहीं पर चाकू काटे वायर वाले। मैंने कहा आज तो गया, लाइट वाइट गई पूरी ढंग से, पर फिर भी काम चल गया मेरा। जय जय श्री राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे, संडे का पूरा एंजॉय करते हुए मैंने करके सारे काम निपटा दिए, साफ सफाई कर दी अच्छे से, और क्या रह गया बस सब कुछ नाश्ता पानी देखा जाए क्या करा जाए। नाश्ता नहीं देखते हैं, सीधे खाना बनाइए। सोच रहा हूँ दीदी के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बड़े कन्फ्यूजन चल रहा है, असमंजस टाइप की है, जाना है कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना है, वो वाला सीन है। एक मन कर रहा चले, एक मन कर रहे रहने दो यार, घर में बैठते हैं कुछ काम वाम करेंगे निपटाएंगे एक आध दो, फिर मैं करते हैं चले आओ, एक आध एक दिन ही तो मिलता है कहीं जाने के लिए, मिलने मिलने के लिए किसी से, घर में अकेला पड़ा पड़ा रह के तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो जाऊँ दीदी के पास में, और क्या अभी रास्ते में वो बड़ेगी एजेंसी हमारी मारुति जिससे मैंने गाड़ी उठाई थी, तो आरसी को भी पता कर दूँगा, क्योंकि अभी तक आरसी नहीं आई है, दो महीने हो गए मेरे गाड़ी को लिए हुए और अभी तक आरसी नहीं आई, पता नहीं क्या दिक्कत है आरटीओ ऑफिस में, पता तो करना पड़ेगा ना। शोरूम कितना खाली लग रहा है, वैसे इतनी भीड़ रहती थी, लाइन देख के आ रहा है, मुझे अपनी गाड़ी धुलवानी थी। पूछे यार इधर, अभी तो नहीं आई यार, कह रहे हैं 15-20 दिन और वेट कर लो तब आ जाए, क्या पता, अब देखते हैं 15-20 मतलब 15-20 दिन वेट ही करना पड़ेगा, और कर क्या सकते। ऑफ सीजन में तो देखो कितना खाली लग रहा है शोरूम, और उस दिन देखो कितनी भीड़ थी भाई साहब, उस दिन तो ऐसी तैसी हो गई थी। तो पहुँचते हैं दीदी के पास, यहाँ बैठे बैठे क्या करना पड़ेगा, उधर पर पड़े पड़े बोर हो जाते हैं यहाँ पर क्या। अरे वाह ढोकला, ढोकला पर चटनी नहीं है हमारे पास ढोकले की, कोई दिक्कत सॉस है। हाँ नहीं सॉस से नहीं खा, चटनी से, समोसे भी समोसे भी खा ले। नहीं नहीं बस यही बोल, नाश्ता करके आया हूँ वैसे तो। कौन खा गया इतना यार। अरे यार मतलब मैं सब लोग मुझे पता नहीं क्या डस्टबिन टाइप का समझते हैं, कौन खाएगा यार, तू खा ले ले, तू खा ले, कौन खाएगा, ये बेकार हो जाएगा। नहीं है मेरे साथ ऐसे, एक बार पंकज पंकज कह रहा वो मिठाई लगी, मुझे मिठाई खा लो, अब मैं मिठाई खा ली, कह रहा ये लगे ना कि यार इसमें चीटियां लग गई थी बहुत, मैंने की तू ये बेकार किसी को खिलाई दो, दोस्तों को देख रहा थी इतना थोड़ी खाऊंगा मैं, इतना ढूंढ लेता एक खा ले कुछ नहीं बैठा। हां मैं नाश्ता करके आ रहा हूं वैसे घर से, पर ढोकला खा लेंगे, ढोकला खा लो, ढोकला इज रियली वेरी वेरी टेस्टी, क्योंकि मैंने खाया है ना। ओए ओए अच्छा है, खा लो। वाह यार आते आते नाश्ता देखो, समोसा ढोकला लड्डू पेड़ा, थैंक यू दीदी। हाँ अगले संडे को फिर आ रहा हूँ मैं ना। चाय की जगह ना सुबह सुबह विस्की लगाया करो, थोड़ी सी ना थोड़ी सी विस्की या वोडका बोतल वो बढ़िया रहती है, पीते ना हम सुबह सुबह मूड फ्रेश हो जाए, सुबह सुबह पीते ना हम अपने हरी राम का प्याला पीते हैं, उसका जाम चढ़ाते हैं, वो नशा चढ़ता है हमारे पर, हमारे प्रभु का हमारे गोपाल जी का ठाकुर जी का, ठाकुर जी का चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं ऐसा नशा चढ़ा दो ना, सही है ना। अब आपने उसे भक्ति में रिलेट कर दिया, देखो तो मैं अब कोई कुछ कह नहीं सकता भैया, तेरे को भक्ति भाव में जहाँ आ गया फिर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। नहीं देखो जब भी आ रहा हूँ आप मुझे देखो दाल बाटी खिलाती है, उसमें इतना सारा घी होता है भर भर के, छोले भटूरे खिलाती है उसमें इतना सारा ऑयल होता है भर भर के, और समोसा खिला देती हो, पेट तो निकलेगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा,
और तेरा एक दिन में पेट निकल आता है तो रेस्पॉन्सिबल केवल एक सेंटर पेट निकल वैसे तू बहुत स्लिम रहता है तो खाना बेचती हो इतना मीठा अच्छा टेस्टी पूरी कभी कभी हलवा मीठा खीर अपनी नहीं बोलूंगा कि मैं आए दिन पार्टी में भी जाता हूँ मैं कभी उनके सर के संग जाता हूँ मैं कभी उन डॉक्टर साहब के संग जाता हूँ मैं खाने तो बाहर जाता हूँ हफ्ते में एक दिन अंदर अपने बना के खाता हूँ तो कभी कभी होती है ना झूठ का बोलाकर आपके यहाँ से तो हर संडे सैटरडे संडे तो चलते ही रहता है दो संडे तो छोड़ गया है हर संडे आता है हाँ ये तो है मेरे इस पेट की जिम्मेदार केवल और केवल दीदी है ध्यान रखना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ केवल आप धन्यवाद आप सभी की तारीफ के लिए ऐसे ज्यादा तारीफ हमसे जो है सुनी नहीं जाती है पुदीने के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते हैं इसकी पोल पट्टी खोलो रोज आज दिन बाहर खाना खाते रहता है ठीक है ना गुड बोलता है देखो ये है वो स्त्री जो अभी हमसे कह रही थी कि देखो तेल 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 वाला खाता है बाहर का खाता हो देखो पराठे बनना ये पराठे मिस्टर हमारे गोपाल जी के लिए मैंने कहा ना आप बस मुझे वही खाना खिलाते हो अच्छा मिल नहीं है नहीं हमारे भगवान जी गोपाल जी के लिए अच्छा, ठीक है तो वो खाएंगे तू खाएगा अरे कहा ना देखो भाई पेट ऐसे नहीं निकल रहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई हाँ, सही बात है क्यों निकल रहा है बस ये इसी कारण निकल रहा है अब देखो मना कर नहीं सकता इतने प्यार से बनाया दीदी ने तो इसलिए खाना तो पड़ेगा मेरा ब्लॉग मैं और अभी देखे हैं आयुष देखोगे ना मामा की ब्लॉग देखो बस खरीद देगा ये बताओ कौन कौन ये बताओ ये वाला ना ये तुम्हें सूखा से दोस्त है ना पतला हाँ नहीं मुझे पता लगता है पतला सबसे ज़्यादा खाता है ये सबसे ज़्यादा खाता है नहीं मैंने देखा ऐसे कहीं खाता है ये लोग भी खाने पे आते हैं ये हमेशा खाता दिखता है देखो यहाँ पे भी लंगर में घूम रहे हम सही है पोज अरे गजब कटरीना भी फेल हो गई आज तो अरे रेट नहीं बताने होते ब्लॉग में हाँ मैं सबसे कह रहा 5,000 का चश्मा बता पहले इसमें पानी प्योरीफाई होता है फिर इससे इसमें आता है फिर इससे इसमें आ रहा है बंद कर दो देखिए आप लोगों ने कभी ऐसी मशीन मतलब जिसे क्वालिटी एक आरोग्य की जरूरत पड़ रही है ऐसा क्यों डबल आरोग्य बताओ सही अब ये आपको बता पानी अच्छा ज्यादा इम्प्योर है इसलिए यस कहीं हमारे पानी खारा आता है ठीक है ना समर से जो पानी आता है ना इसलिए अब इसमें पानी अगर साफ अगर टंकी में मीठा पानी आएगा तो टंकी से कनेक्ट हो सकता है अच्छा अच्छा ठीक है तो इसलिए इसमें पहले पानी आता है इसमें वरना ये खराब हो जाएगा ओके ये देखो छील दिया हमने मटर को ये लो दीदी मटर हाँ इसमें और इसमें दो गिराट भी डाल दिए मैंने ठीक है मसक के डालिए पता ही नहीं चलेगा यार लेके नहीं खाना चाहिए ऐसे लोग देते ना मैं नहीं खाता बोलते ही नहीं खाना चाहिए अपना ले गया खाने के लिए कि जो आप अपना पुण्य है ना वो भी उन्हीं को दे दे रहे लाइट चली गई यार और लाइट के साथ साथ दिक्कत है कि इन्वर्टर मेरा जो मैं सुबह जो डाउटफुल था कि हाँ ये इन्वर्टर में कुछ दिक्कत है वो बिल्कुल सही है
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, लाइट चलेगी लेकिन इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है तो वो भी खराब हो चुका है एक बार। फिर कल अब आज क्या देखेंगे, अब तो कल ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, अब देखेंगे कुछ होता है ठीक भी करवाएंगे। अंधेरे में मैं इतने टाइम बाद अब जाके अंधेरे में आया हूँ, मतलब वैसे घर में हमेशा बल्ब जलती रहता है यार, इन्वर्टर लगा रहता है तो लाइट जाने का तब वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं हो पाती है कि जब पहले बचपन में लाइट जाया करती थी, अब जाके अंधेरे देखने में मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है अंधेरा। लेकिन एक दिया जल रहा है हमारे घर में, एक दिए से बड़ी रोशनी रहती है, उम्मीद का ही दिया। चलिए फिर इस ब्लॉग के एंड में करते हैं, अगर आपको अच्छा हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राइट आ जा भैया, ब्लॉग अपलोड करना है मुझे, देखना कैसे कर रहा है।